दोस्तों हम लोग ऊपर चढ़ते हुए जा रहे हैं, पहाड़ी घूमने का पूरा इरादा। ये देख सकते हैं बड़े बड़े पत्थर जो कि पहले से हैं या बनाए गए हैं ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हाँ इतना जानते हैं सुंदरता काफ़ी अच्छा है। ये देखिए यहाँ का खोपचा। देख सकते हैं दोस्तों नज़ारा। ये दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हम लोग पहाड़ी पे तो चढ़ चुके हैं। पहाड़ी से कुछ ऐसा मंज़र दिख रहा है राजगीर का, जिस मंदिर में हम लोग गए थे। देख सकते हैं कितना छोटा दिखाई दे रहा है पहाड़ी से। आप लोग इधर का व्यू देख सकते हैं, देख के तो काफ़ी ज़्यादा भयंकर डरावना डर लग रहा है, फिर भी हम लोग पूरा घूमेंगे राजगीर। सो आइए आगे का वीडियो हम बना के आप लोग को दिखाते हैं। तब तक के लिए एंजॉय करिए, आप लोग चिल करिए ब्रो। काफ़ी भव्य नज़ारा है गुरु, जितना ऊपर जाओ उतना मज़ा। लोग देख सकते हैं हमने अपने सभी दोस्तों को हरा के पिछाड़ के मैं सबसे ज़्यादा दूरी तय करके ऊंचाई तक पहुंच चुका हूं। बाकी पहाड़ों पे भव्य भव्य मंदिर बनाई जा रही हैं, रोड्स बनाए जा रहे हैं, काफ़ी प्यारे नज़ारे हम लोग को दिख रहे हैं इस ऊंचाई से। आगे देखिए अभी हम लोग को क्या क्या दृश्य दिखाई दे रहा है इस पहाड़ी पे। अभी हम लोग ऊंचाई पे चढ़ ही रहे हैं, पूरा पहुंच नहीं पाए हैं, पहाड़ी पूरा पार नहीं कर पाए हैं। काफ़ी ज़्यादा व्यू बचा है, सो आप लोग देख सकते हैं हम लोग इतनी दूरी ज़मीन से तय कर चुके हैं। चलिए आगे वीडियो देखा जाए। पहाड़ी पे राजगीर थाना लिखा हुआ एक व्यू मिल रहा है, जहाँ पे शायद यहाँ की पुलिस और कुछ कर्मचारी बंधु यहाँ पे बैठते हैं, जो कि पहाड़ी पे किसी को परेशान करते हुए व्यक्ति को ही नज़र आए या कोई प्रॉब्लम हो तो सुविधा में आसानी हो इसलिए यहाँ बैठे हैं। बट यहाँ पे अभी कोई है नहीं, और हमारे भैया जी पहाड़ी पे कदम कदम पे कुछ कुछ दूरी पे लोग कोई ना कुछ पानी की बोतल, पेप्सी ठंडा आदि बेचते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप लोग आइए यहाँ पर इंजॉय करिए, भैया लोग से खरीदिए, खाइए पिए और फिर चलते रहिए आगे। देखते हैं अभी बहुत दूरी तय करना है हम लोगों को, कि हम लोग इतने ऊंचाई तक नहीं पहुंचे हैं, जैसा कि लगता है हमारे दोस्तों का कोई नामो निशान नहीं दिख। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से सब कुछ नीचे का व्यू बहुत ही छोटा दिखाई दे रहा है। हमें समझ ही नहीं आ रहा है हम कितनी ऊंचाई तक आसानी के साथ चढ़ चुके। थोड़ा थकावट महसूस हो रही है।
बोर्ड को आप देख रहे हैं, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन विभाग। जैसा कि हमें लग रहा है कि यहाँ से वायु यानी ऑक्सीजन का परिवर्तन हो रहा है, थोड़ा शायद ऊपर ऑक्सीजन लेने में कम मतलब ऑक्सीजन की मात्रा मिल सकती है ऊपर। बाकी हम लोग पहाड़ियों पे वादियों पे चढ़ते हुए देख सकते हैं हमको। आइए अभी हमारे दोस्त बहुत ही पीछे हैं जिनका हम इंतजार रहे हैं कि वो कब से आएंगे। चलिए आगे चढ़ते हुए चल रहे हैं हम लोग। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं पहाड़ी के अंत पे पहुंचने वाले हैं, सो लगता है, क्या आप लोग को लगता है कि हम पहाड़ी के अंत तक पहुंच जाएंगे? कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो अभी यहाँ के पत्थरों को आप लोग देख सकते हैं, हमें तो घूमने में काफ़ी मज़ा आया बिहार। आप लोग भी बिहार में आइएगा, ज़रूर घूमिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आप लोग को बिहार। लोग कहते हैं बिहार में काबा, बिहार की सुंदरता को कोई देखता नहीं। हम मानते हैं शिक्षा की नीति में थोड़ा डेवलपमेंट बहुत कमज़ोर है, बहुत तो नहीं थोड़ा है, लेकिन सुंदरता मानी जाए तो यहाँ पे जितनी बताई जाए उतनी कम है। हम लोग पहाड़ के आखिरी चोटी पर जो कि एकदम ऊंचाई पर है वहाँ पे पहुँच ही चुके हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि हमारा सफर कैसा रहा? अरे हम बता नहीं सकते हैं कितने ज़्यादा थक चुके हैं, लेकिन हाँ इतना विश्वास था कि मैं पूरी पहाड़ी के ऊपर चढ़ लूँगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पंचाव पहाड़ श्री भैरवागिर पहाड़ी शायद इसका नाम है पहाड़ी का। आप लोग देख सकते हैं यहाँ बैठने के लिए व्यू बनाए गए हैं, यहाँ पे आप लोग बैठ के विश्राम कर सकते हैं। बाकी आगे का व्यू भी घूम के देख सकते हैं। ये देखिए हमें इतनी ऊंचाई की पहाड़ी पर एक मंदिर देखने को मिला। भगवान भी इंसान का परीक्षा लेते हैं, वो क्या हमारे पास आ सकता है इतनी दूरी तक चल के। तो फाइनली मैं तो वो पूरा कर लिया। बाकी आप लोग को देखते हैं कि आप लोग भी आ सकते हैं यहाँ तक घूमने के लिए, ऊंचाई तक आइएगा, घूमिएगा, हमको ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आप लोग को बिहार। यहाँ का वातावरण वाकई थोड़ा अजीब सा तो है, लेकिन हाँ वातावरण काफ़ी प्यारा, काफ़ी भव्य नज़ारा देखने को मिल रहा है यहाँ पे। आप लोग देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से, घर इतना छोटा छोटा दिख रहा है कि हमें खुद आंखों से देख नहीं पा रहे हैं। तो बाकी क्या आप लोग जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हम फिर वहाँ से थोड़ी दूर चलते हुए विश्राम किए हैं, अभी आगे बढ़ रहे हैं। तो इस पहाड़ी पे हम लोग जितना हो सकेगा उतना आगे तक चलेंगे, देखेंगे क्या हम लोग को दिखाई देता है, क्या भव्य नज़ारा है। इस सुंदरता को आप लोग देख सकते हैं, इस हसीन वादियों को। यहाँ पर आप लोग भी घूमिए, मौज करिए, ऐश करिए, अपनी लाइफ को एंजॉय करिए, क्योंकि हर इंसान को जीवन एक बार ही मिलता है हमारी अकॉर्डिंग। सो आप लोग को भी मिला है मानव जीवन एक बार मिलता है, तो आप लोग अपनी जीवन को एंजॉय के साथ, पढ़ाई के साथ, मस्ती के साथ, सबके साथ बिताइए, ताकि आप लोग को ऐसा ना लगे कि हमने अपनी लाइफ में ये नहीं किया,
वो नहीं किया, सब कुछ करिए, अपनी शिक्षा पढ़ाई सब कुछ लेके। ये देखिए श्री घना शाली भद्र जैन श्वेतांबर मंदिर वैभावगीर, इधर का कोई एक मंदिर है फेमस, जो इधर का व्यू दिखा रहा है, रूट दिखा रहा है। सो हम लोग अभी इधर नहीं जा रहे हैं, अभी हम लोग सीधे ही जा रहे हैं। हम लोग नहीं, मैं तो अकेले हूँ, बाकी हमारे फ्रेंड लोग अभी वहाँ पे फोटोग्राफी कर रहे हैं, जो कि हमें पसंद तो है बट इतना नहीं है। सो आइए देखते हैं आगे। श्री दिगंबर जैन मंदिर जो कि इतनी ऊँचाई पे, तो आप लोग देख सकते हैं हम यहाँ पे आए हैं इस पहाड़ियों पे। यहाँ पे भी ईंट से बने हुए कुछ पुराने पुराने मकान दिख रहे हैं, जो कि काफ़ी पुराने ज़माने के हैं, जो कि दब भी चुके हैं। तो देख सकते हैं ये आप लोग व्यू यहाँ का, हमें तो काफ़ी प्यारा लगा।